हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग्स एंड दिस साइड सुभाष चौधरी। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो मालूम ही है कि मैं देहरादून में रहता हूं और जिम कॉर्बेट और राजा जी के कितना क्लोज हूं, मैं कितनी सफारी करता रहता हूं। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं मैं जिम कॉर्बेट और राजा जी का एक्सपर्ट हूँ, जो कि आपको एक अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के माइंड में, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन सारे क्वेश्चन का आज आंसर दे दूँ। सिर्फ जो क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मैं राजा जी पार्क के बारे में बात करेंगे आज। राजा जी पार्क के बारे में जितने क्वेश्चंस हैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखना मत भूलना भाई, कंप्लीट देखना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह से आप खुद परमिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क वालों ने भी जिम कॉर्बेट की तरह अब ऑनलाइन परमिट की सुविधा दे दी है। अब आप अपने आप खुद परमिट बुक कर लीजिए। मान लो 30 जीप मॉर्निंग में जाती है, 30 इवनिंग में जाती है, तो भैया वो बुक भी हो जाती है, मतलब शॉर्ट भी हो जाती है और मिलती नहीं है। जैसे मेजर हॉलीडेज होते हैं, न्यू ईयर हो गया या फिर 2 अक्टूबर हो गया या फिर लॉन्ग वीकेंड है, तो सोल्ड आउट हो जाते हैं, नहीं मिलते। आप गेट पे जाओगे आपको मना कर देंगे कि टिकट नहीं है। तो इससे अच्छा पहले ही आप ऑनलाइन बुक कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ। जीप तो मिल जाएगी, जीप मैं दिलवा दूंगा आपको, जो कि डिस्क्रिप्शन से आप बुक कर सकते हैं। तो जीप दिलवाने का मेरा काम है, आप खुद परमिट ले लीजिए। अगर आप खुद परमिट नहीं ले सकते तो भी आप बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, परमिट भी ले लेंगे और जीप भी बुक कर देंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो शुरू करते हैं। राजा जी नेशनल पार्क के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में रहते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं अभी अपने घर पे हूँ देहरादून में। बैक साइड में आप देख लीजिए मसूरी हिल्स हैं, पूरा मसूरी के पहाड़ है। और राइट साइड में मुझे शिवालिक रेंज राजा जी की दिख रही है। दूर है थोड़ा सा, लेकिन शिवालिक रेंज पूरी राजा जी की दिख रही है यहाँ से। अगर यहाँ पे दो गेट है, मोहंड के और मोतीचूर के, दोनों मेरे घर से सिर्फ 1-1 घंटे की ड्राइव पर है। तो बीच बीच में सफारी करता रहता हूँ। अभी भी आने वाले वीडियो में आपको वहाँ की सफारी देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन है, लैपटॉप से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई बुक ए जीप सफारी इन राजा जी नेशनल पार्क। तो आप किस तरह से राजा जी नेशनल पार्क में सफारी बुक कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने बताया, इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट को मैं अभी दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर वो लास्ट में मिलेगा कि परमिट कैसे बुक करना है, वरना आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू कॉन्टेक्ट करिए, जीप बुक हो जाएगी। 15 नवंबर से 15 जून तक पार्क खुलते हैं, उस बीच में आप सफारी कर सकते हैं। बाकी टाइम में मानसून रहता है तो नदियाँ उफान पर रहती हैं, तो जीप सफारी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि सब रस्ते टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं और नदियाँ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मेन तो नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ जो सीजनल रिवर होती है ना, मानसून रिवर, वो उफान पर रहती हैं, तो बहुत खतरा रहता है भाई, आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते, तुरंत फ्लैश फ्लड आ जाता है, तो इसलिए वो बंद रहता है पार्क। तो 15 नवंबर से 15 जून तक ही खुलता है और बहुत आसान है, वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। वेबसाइट से परमिट मिलेगा, जीप सफारी बुक करनी है वो तो मेरे थ्रू ही करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट लिंक है। तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर ए जीप सफारी राजा नेशनल पार्क। देखो बेस्ट टाइम क्या होता है, वैसे तो जानवर भी वहीं रहेंगे, सर्दी में भी, गर्मी में भी, मानसून में भी। वो ऐसा नहीं है कि राजा जी से उठ के कहीं पहाड़ पर चले जाएंगे या फिर राजस्थान चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जानवर वहाँ है वो वहीं रहेंगे। कुछ हाथी हैं जो कॉर्बेट से राजा जी मूव करते हैं, कुछ हाथी राजा जी से कॉर्बेट मूव करते हैं, बस इतना है, उससे ज्यादा मूव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो इधर हिमाचल में घुस जाएंगे, जो राजा जी के इस तरफ जो बाउंड्री है इधर फिर हिमाचल लगता है, तो हाथी उधर नहीं जाते हैं, हाथी इधर ही रहते हैं। तो जब जानवर वहीं पर ही है अंदर मूव कर रहे हैं, तो आपको मिल ही जाएगा भाई, सर्दी में भी, गर्मी में भी, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। पर फिर भी अगर आप पूछते हैं सबसे बेस्ट टाइम क्या है, अगर आपको एक पर्टिकुलर सबसे बेस्ट टाइम चाहिए, तो मैं बोलूंगा पार्क बंद होने से पहले मई जून का जो टाइम है ना, वो सबसे बेस्ट है, सबसे सुपर्ब है। और क्योंकि जब पानी बहुत कम होता है और प्यासे होते हैं जानवर, सब इधर उधर भागते हैं, पानी वाटर होल पर भागते हैं, और गर्मी में थोड़ा सा ज्यादा दिखते हैं जानवर। आप ढिकाला भी जाएंगे, वहाँ पे भी ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा हाथियों के झुंड सब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। तो बाकी अगर बर्डिंग के शौकीन है, तो बर्डिंग तो भाई अर्ली मॉर्निंग दिखती है, मॉर्निंग सफारी करो, बर्ड सबसे ज्यादा दिखेंगी। और वैसे भी अगर कोई पूछे कि इवनिंग सफारी करनी चाहिए मॉर्निंग करनी चाहिए, तो भाई बेस्ट तो मॉर्निंग है। अगर मॉर्निंग का ऑप्शन नहीं है तो आप इवनिंग कर लो, बेस्ट मॉर्निंग है। मॉर्निंग में ही टाइगर भी थोड़ा मूव करता है, क्योंकि लेपर्ड भी मूव करता है, क्योंकि वो थोड़ा मूव करते हैं तो थोड़ा सा हीट जनरेट होती है उनकी बॉडी में, ऐसा भी मिथ, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि मैंने काफी सफारी की है, तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मिलना होता है, तो काफी लोगों ने ये भी बोला है कि मूव करता है, चहलकदमी करता है टाइगर, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। सबसे ज्यादा ठंड होती है सुबह, और सारे जानवर अर्ली मॉर्निंग उठ के इधर उधर घूमने लगते हैं, चिड़िया जग जाती हैं, तो सबसे बेस्ट तो अर्ली मॉर्निंग होता है, फिर इवनिंग भी बेस्ट है। ठीक है भाई, तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई बुक ए नाइट स्टे इन साइड द राजा जी नेशनल पार्क। देखो राजा जी नेशनल पार्क में नाइट स्टे की फैसिलिटी नहीं है कॉर्बेट की तरह, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे होता है। आप वहाँ पे ढिकाला में, बिजरानी में, झिरना में, रतवा ढाब हो गया, मुंडिया पानी, हल्दूपराव, जितने पाखरो, इतने सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कॉर्बेट के। लेकिन भाई राजा जी में ये फैसिलिटी नहीं है। राजा जी में भी अंग्रेजों के जमाने के वही सेम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो कॉर्बेट में है, लेकिन आप वो बुक नहीं कर सकते राजा जी में। लेकिन हाँ एक तरीका है, कुछ फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं, जैसे कि चिला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वो सबसे पुराना 1800 कुछ में बना था अंग्रेजों के जमाने का, जैसा ढिकाला में वैसा ही है।
उसको आप बुक कर सकते हैं, या फिर एक उन्नाव का हो गया, या फिर रानीपुर का बंगलो आप एक बार को बुक कर सकते हैं। वो कैसे, वो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी देहरादून ऑफिस में आके। देहरादून ऑफिस में जाएंगे आप, वहाँ पे 4 दिन 5 दिन पहले, उससे ज़्यादा नहीं मत करना, और उससे ज़्यादा एडवांस में मत आना, और ना ज़्यादा लेट करना, 4-5 दिन पहले एप्लीकेशन दे दो राजा जी पार्क के ऑफिस में आके, ढूंढ लो, मिल जाएगा, नेट पे देख लो, तिलक रोड पर है यहाँ पे, चक्राता रोड पे, और उनको एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट करो। अगर कोई ऑफिसर नहीं रुक रहा होगा, कोई जज नहीं रुक रहा होगा, तो आपको मिल जाएगी बुकिंग। अगर कोई नहीं, कोई रुक रहा होगा, तो भाई वो नहीं देंगे, वो लास्ट टाइम तक भी नहीं देते हैं, वो बताते हैं एक दिन पहले ही है कि कोई नहीं आ रहा हमारा ऑफिशियल, कोई नेता नहीं आ रहा, कोई अभिनेता नहीं आ रहा, तो भैया आप रुक जाओ। वरना पहला हक फॉरेस्ट वालों का है, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करके कुछ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मिल जाते हैं। बेरीबारा तब भी नहीं मिलेगा, मिथावली तब भी नहीं मिलेगा, धौलकंठ तब भी नहीं मिलेगा, जो कोर जोन में है वो तो तब भी नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, जो चिलाका फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, क्योंकि वो मेन रोड पे, वो मिल जाता है। मैं खुद एनएक्स में रुका हूँ, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुका हूँ, तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है, जो पुरानी वीडियो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको मालूम है, वहाँ पे रुका हूँ मैं, पूरी यूट्यूब वीडियो बनाई है, तो वो मिल जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा टिपिकल है, आपको जूते घिसने पड़ेंगे, देहरादून के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, उनको बार बार ईमेल पे रिमाइंड कराना पड़ेगा, फोन पे रिमाइंड कराना पड़ेगा। लेकिन ये काम भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर देता हूँ, कुछ फीस लेके। जैसे कि वो मुझे बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते, हम बैंगलोर से हैं, तो भाई आप मुझे एप्लीकेशन भेज दो, मैं वहाँ पे ऑफिस में चला जाता हूँ, मैं दे देता हूँ, लेकिन उसकी तो भाई कुछ फीस तो लगती है। तो लेकिन अगर आपको किसी को नाइट स्टे करना है रानीपुर में या फिर उसमें, तो भाई वो भी कर सकता है, और उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था राजा जी के नाइट स्टे का सीन। तो हाउ कैन आई बुक ए नाइट। फिर चौथा क्वेश्चन ये है, व्हाट वाइल्ड लाइफ कैन बी स्पॉटेड ड्यूरिंग ए जीप सफारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे राजा जी में। ऑफकोर्स भाई राजा जी में कॉर्बेट से कम देखने को मिलते हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो लेपर्ड ज्यादा देखने को मिलता है। लेपर्ड राजा जी में कॉर्बेट से ज्यादा देखने को मिलेगा, कॉर्बेट में तो बहुत रेयर होता है लेपर्ड, और कॉर्बेट में क्योंकि वहां पे टाइगर है तो लेपर्ड थोड़ा दूर ही रहता है, दिख जाता है, ऐसा नहीं है दिखता नहीं है, पर यहाँ ज्यादा दिखता है राजा जी में। राजा जी की रानीपुर रेंज में सबसे ज्यादा लेपर्ड दिखते हैं, और मोहन रेंज में, मतलब ये समझो कि 70-80% चांस है दिख जाएंगे, 2-3 दिन में दिख जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग सफारी करो मोहन की, मजा आ जाएगा, बुक करो डिस्क्रिप्शन से मेरे थ्रू। और भाई नॉर्मल जानवर है, देखो भालू नहीं दिखता, बहुत रेयरली है, बहुत रेयरली है, जंगल है कहीं कुछ भी दिख सकता है, सांप वगैरह कोबरा वगैरह दिख जाते हैं, ओवल दिख जाते हैं, चील वगैरह, बर्डिंग तो हो ही जाती है, बर्डिंग कम है राजा जी में एज कम्पेयर टू कॉर्बेट। कॉर्बेट में 650 तरह की चिड़िया है, तो यहाँ पे 450 तरह की चिड़िया है, 200 चिड़िया कम है, समझ गए ना क्या लेवल है राजा जी का एज कम्पेयर टू कॉर्बेट। कॉर्बेट के जंगल बहुत ज्यादा घने हैं, यहाँ के थोड़ा सा उतने घने नहीं है। तीसरा, वहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे थोड़ा सा साल के जंगल है, लेपर्ड काफी है, नीलगाय वगैरह मोहन रेंज में, रानीपुर में इधर उधर दिख जाएंगी, चिला में तो फिर भी थोड़ा सा कम दिखती है नीलगाय, और हाथी हैं राजा जी में, हाथी हैं लेकिन थोड़ा कम दिखते हैं, और लेपर्ड दिख सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, रानीपुर जोन और मोहन जोन, मोहन ये दिखते हैं, ठीक है, मोहन जोन यानी कि मोहन गेट, वो चिला वाली जोन बोलते हैं उसको, उसका भी मैं बता दूंगा, देखते हैं क्वेश्चन में आएगा या नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातों से और मेरे आंसर से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कितनी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप बड़े बड़े पार्कों से, जैसे कि रणथंभौर हो गया या फिर टडोबा हो गया या फिर कॉर्बेट हो गया, उनसे कंपेयर नहीं करते, वो इस लेवल पे हैं, तो राजा जी इस लेवल पे हैं, समझ रहे हो ना। चलो पांचवा क्वेश्चन, आर देयर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग ए जीप सफारी। भाई जीप सफारी के रूल्स यही है, परमिट आपके पास होना चाहिए तो आपको जीप मिल जाएगी, अगर परमिट नहीं हो सकता, सोल्ड आउट हो गया हो। दूसरा रूल ये है कि टाइम से पहुंच जाओ, एंट्री टाइम होता है, मान लो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जीप जाएगी, तो सुबह उस टाइम पे ही जीप जाएगी, उससे पहले नहीं जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। हर पार्क में होता है कि 1-2 घंटे का एंट्री टाइम होता है, उसमें जीप अंदर जाती है और टाइम से बाहर आती है। 2.5 घंटे की सफारी होती है नॉर्मली, चाहे कॉर्बेट हो चाहे ये हो, 2.5-3, 2.5-3 इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो सब जगह रूल वही है जो हर पार्क में होते हैं, कहीं उतरना नहीं होता है, और बाकी तो अपना सेंस होता है, कॉमन सेंस होता है कि भैया कुछ चटकदार कपड़े मत पहनो और परफ्यूम मत लगाओ और कैप पहनो, डस्ट बहुत होती है क्योंकि दूसरी जीप जा रही होगी, तो इस तरह के कपड़े पहनो, और बाकी रूल क्या है, मोबाइल वगैरह ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल कैमरा भी लोग ले जाते हैं, उसका भी कोई टैक्स टूक्स तो लगता नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वीडियोग्राफी होती है जो टीवी के लिए या फिर वो, उसका तो थोड़ा टैक्स लगता ही लगता है। बाकी कैमरे का तो भाई मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, तो मेरा तो टैक्स का इतना नॉलेज नहीं है, शायद उसका कुछ जमा होता हो थोड़ा बहुत, 400-500 रुपये DSLR का, वो मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन बता दूंगा आगे। बाकी रूल में यही आता है कि बंदरों को या किसी भी जानवर को खाना नहीं देना है, एक मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, वो तो सब जगह नॉर्मल होता ही है भाई, कॉमन सेंस होता है, वरना वो इलीगल की कैटेगरी में आ जाएगा। व्हाट शुड आई कैरी ड्यूरिंग ए जीप। तो 6th क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई कैरी ड्यूरिंग ए जीप सफारी राजा जी। जैसा कि मैंने बोला भाई, कपड़े, ठंड होती है भाई बहुत ज्यादा,
अर्ली मॉर्निंग सफारी में भी, इवनिंग में, जंगल में नॉर्मली ठंड रहती है, गर्मियों में भी एकदम से छाँव होती है तो ठंड हो जाती है, ठंडी हवा होती है वहाँ पे, क्योंकि प्योर नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। तो भाई एक ऐसा भी कपड़ा लेके जाओ, जैकेट वगैरह, जिससे ठंड ना लगे, कैप वगैरह, ग्लव्स पहन के जाओ, सुबह बहुत ठंड लगती है। बाकी पानी की बोतल लेके जाओ भाई, और टॉयलेट वगैरह करके जाओ बाहर ही, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। हालांकि कहीं बीच में जीप रुकती है, एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर टॉयलेट करने का मौका मिलता है, चाहे रानीपुर की सफारी कर लो, वहाँ पे बेरीबारा में मौका मिलता है, और चाहे यहाँ की सफारी कर लो, वहाँ धौलकंड में मौका मिलता है, मोहनवाली में, और चिला में भी एक जगह मौका मिलता है उतरने का, मचान पे जाने का। तो ऐसा हर जगह सफारी में, पर यह है कि अपना बिस्कुट वगैरह थोड़ा लेके जाओ, लेकिन प्लास्टिक अंदर मत फेंकना बिल्कुल भी, प्लास्टिक अपने साथ ही रखना, बिस्कुट और चाय थर्मस में ले जा सकते हो एंजॉय करने के लिए, ये सब चीज़ें माइंडफुल ट्रेवल होता है, ये सब ले जा सकते हो। बाइनाकुलर ले जाओ, बाइनाकुलर, क्योंकि दूर देखना पड़ता है, और कैमरा, सनग्लासेस वगैरह, और भाई जो भी कॉमन चीज़ें हैं, धूप होगी तो भाई सनस्क्रीन लोशन लेके जाओ, ये सब होता है। फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनो, मधुमक्खी वगैरह आ जाती है वहाँ पर, ग्रुप आ जाता है, नॉर्मल होता है, कुछ काट ना ले। आर चिल्ड्रन अलाउ ऑन जीप सफारी? हाँ भाई बिल्कुल, चिल्ड्रन का ऐसा कोई एज नहीं है कि उसको नहीं, राफ्टिंग की तरह नहीं है कि उतने के ले जा सकते हैं, उतना नहीं ले जा सकते, कोई भी जा सकता है, और चिल्ड्रन को लेकर जा सकते हैं आप, कॉर्बेट में भी जा सकते हैं, जिम राजा जी में भी जा सकते हैं, बच्चों को लेकर जा सकते हैं, बच्चे कुछ साल तक फ्री होते हैं, शायद 5 साल तक फ्री हैं, वो रूल चेंज होते रहते हैं इनके, बच्चे जा सकते हैं, पर यह है कि बच्चे, हाउ कैन आई हायर ए प्राइवेट जीप सफारी फॉर राजा जी? बिल्कुल, मैंने बताया ना, प्राइवेट जीप सफारी पहले तो परमिट होना चाहिए, परमिट, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परमिट, एक होता है जीप, जीप के पैसे जीप वाले को जाएंगे, उसका पेट्रोल का, उसका मेहनत का, उसका टाइम का, सब कुछ, और परमिट के पैसे जाते हैं गवर्नमेंट को। परमिट में दो तरह के फीस होते हैं, एक तो एंट्री चार्जेस होती है, वो होता है फिलहाल राजा जी का जो 250 रुपये जीप का एंट्री चार्ज है, एक होता है पर्सन का एंट्री चार्ज, वो है 150 रुपये पर पर्सन फिलहाल, तो यानी कि 2 पर्सन जा रहे हैं, 300 रुपये वो लगेगा, और 250 रुपये जीप के लगेंगे। तो अब आप देख लो, ये वहाँ का चार्जेस है, और ये तो परमिट का चार्जेस है ही, जो आप ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन नहीं ले रहा तो वैसे डायरेक्ट ले सकते, और बाकी जीप तो बुक हो ही जाएगी मेरे थ्रू, वो तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी रहते हो देश विदेश, बहुत लोगों ने मुझसे जीप सफारी बुक कराई है, और अगर जीप कुछ प्रॉब्लम भी हो, मैं पूरा हेल्प करता हूँ, और बहुत खुश है सब, सब बहुत खुश हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया है, और इतना पुराना यूट्यूब चैनल है, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, तो भाई मैं तो कहीं पैसे लेकर भागने वाला हूँ, आज तक भागा नहीं हूँ, भागूंगा तो फिर चैनल बंद करना पड़ेगा मुझे, यूट्यूब चैनल 400-500 रुपये के ऊपर, क्योंकि इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि जीप सफारी में कुछ ज़्यादा एकदम से कि कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लाखों में अमाउंट, कुछ 100 रुपये, कुछ 500-400-500 रुपये का ही इसमें एजेंट इनकम होती है, और मेरी तो बहुत मिनिमम फीस है, मिनिमम, आप किसी और के थ्रू कराएंगे भाई, पता नहीं कि कौन 2,000-3,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, मेरा तो भाई बहुत मिनिमम टू मिनिमम प्राइस रहता है, मतलब उससे मिनिमम आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। इस देर ए लिमिट ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर जीप सफारी? देखो दो चीज़ें, जीप सफारी में कितने लोग बैठ सकते हैं? 6 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन राजा जी में क्योंकि टूरिस्ट गाइड नहीं है तो 7 बैठ सकते हैं, ठीक है, एक ड्राइवर है, एक उसके बराबर में गाइड है, और पीछे 3 और 3, 2 सीटें हो रहे हैं, 3-3 लोग बैठ सकते हैं, 6 लोग, अगर गाइड नहीं है तो 7वां बंदा भी ड्राइवर के बराबर में बैठ सकता है, राजा जी में 7 लोग बैठते हैं, कॉर्बेट में 6 लोग बैठते हैं, ठीक है, फिलहाल ये सीन है, यहाँ पर राजा जी में कोई गाइड नहीं है। अगर आप अपना प्राइवेट गाइड हायर करना चाहते हैं तो भी भाई डिस्क्रिप्शन से बता देना कि यू वांट ए गाइड, प्राइवेट गाइड, वो तो फिर सबका अपना अपना फीस होती है, कोई 2,000-3,000-4,000-5,000-6,000 पता नहीं कितना भी ले लेते हैं ये लोग, एक से एक एक्सपर्ट गाइड पड़े हुए हैं यहाँ पे, इंग्लिश बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, और आप चाहते हो मैं आपके साथ चलूँ तो भाई मैं भी चल सकता हूँ आपका गाइड बन के, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अपने सब्सक्राइबर के साथ सफारी पे गया हूँ, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, कितनी जीप जाती हैं? तो भाई राजा जी में फिलहाल 30 जीप मॉर्निंग में, 30 शाम को ऐसे जाती हैं, किसी किसी जोन में 15 जीप मॉर्निंग में, 15 जीप शाम को जाती है, सबका अलग अलग होता है, कॉर्बेट में भी कहीं पे 15 मॉर्निंग 15 इवनिंग वो लिमिट है, कहीं पे 30 मॉर्निंग 30 इवनिंग, तो यहाँ पे भी चेंज होता रहता है, कभी 15 कभी 30, शायद अभी 30 है, 30 मॉर्निंग 30 इवनिंग, हालांकि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब तो मेन है कि जीप में कितने बैठेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, बस आपके पास परमिट आ जाना चाहिए, और कितने दिन पहले बुक करें वो भी मैं बता देता हूँ, वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, माइंड में आ गया, तो आप भाई राजा जी का जो जीप सफारी है वो कम से कम वैसे तो 2 दिन, अगर मेजर हॉलीडेज नहीं है, वीकेंड नहीं है, तो 1 दिन पहले भी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेजर हॉलीडेज है तो भाई 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले तक बुक हो जाते हैं टिकट्स, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है तो सोल्ड आउट है पूरा, 1 हफ्ता पहले ही सोल्ड आउट है पूरा। आर देयर एनी स्पेसिफिक एंट्री फॉर जीप सफारी एंड नाइट स्टे? वो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन कि एंट्री फीस क्या है, 250 तो जीप की लगती है और 150 रुपये पर हेड लगती है, अगर 2 लोग हैं 300, 4 लोग हैं 450, 150-150 मल्टीप्लाई कर लो, और 250 रुपये जो एक ही सिंगल टाइम फीस जाती है एंट्री की, वो तो परमिट है, वो गवर्नमेंट को जाती है, बाकी जीप वाले को जाते हैं, जो जीप वाले की है वो भी भाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है, चेंज होता रहता है हर सीजन में, कभी पेट्रोल सस्ता कभी ज़्यादा, कभी कोई 1,800, 2,000, 2,200, 2,500, 2,700, 2,800, 3,000, 3,500 जीप, सब अपना
अपनी अपनी भाई प्राइवेट जीप सफारी हैं सबकी, बड़ी बड़ी ट्रेवल एजेंसीज हैं जो कि रन कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना चेंज होता रहता है। तो फिलहाल तो भाई यही क्वेश्चन थे राजा जी को लेके, और चलो वेबसाइट पे लेके चलता हूँ कि आपको परमिट कैसे बुक करना है। सो अभी मैं आपको तो देखो अभी मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, और गूगल से कैसे आपको राजा जी नेशनल पार्क का परमिट लेना है, ठीक है। तो आप गूगल पे जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नीचे से ड्रॉप डाउन यहाँ पे भी आ जाएगा, वरना आप पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। तो पहली वेबसाइट आएगी राजा जी नेशनल पार्क .co.in, इस वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं जाना है, ये प्राइवेट वेबसाइट है, आप फंस जाओगे, गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है। जो ऑथराइज और लीगल वेबसाइट है राजा जी नेशनल पार्क की, वो ये है राजा जी टाइगर रिजर्व .uk.gov.in, गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसलिए लास्ट में .gov.in लगा हुआ है। आपको कॉर्बेट की भी ऐसी ही मिलेगी, तो आप इस आपको इस पर क्लिक करना है, आपको ये ढूंढनी है, नीचे ढूंढेंगे आप पहले पेज पे जरूर मिल जाएगी। तो आप इसको क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी, इस तरह से कैलेंडर आएगा, और कैलेंडर पे फिर जो भी डेट को आपको डे सफारी करनी है वो आप क्लिक करने लगा, मान लो 13 या 14 को जाना है, आज मान लो ये 13 की मैं बुक करता हूँ, 13 को क्लिक करेंगे, इसके बाद ये आ जाएगा, चिला जोन का ऑप्शन खुल जाएगा, 84 कुटिया यानी कि बीटल आश्रम ऋषिकेश में उसका ऑप्शन खुल जाएगा, चिला वाली जोन यानी कि मोहन गेट से जो सफारी होती है सहारनपुर रोड पे उसका ऑप्शन खुल जाएगा, हरिद्वार का मतलब है रानीपुर जोन, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, रानीपुर लिखा होना चाहिए था, इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो लेकिन आप हरिद्वार का मतलब रानीपुर समझ जाना, और नीचे मोतीचूर, मोतीचूर गेट है, जोन है हरिद्वार से ऋषिकेश रोड पे, जहाँ पे वो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास ही है, फ्लाईओवर से उतरते ही लेफ्ट साइड में रायवाला से पहले। तो आई होप आप समझ गए हो। तो मान लो मुझे रानीपुर जोन का बुक करना है, चिला जोन का बुक करना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत क्विक है, कॉर्बेट की वेबसाइट की तरह नहीं है, एडल्ट नंबर ऑफ एडल्ट मान लो 2 है या 1 है, और अपना बच्चे जितने भी हैं, 12 साल से नीचे वाला बच्चे में काउंट होता है, 12 साल से ऊपर एडल्ट में। तो प्रोसीड कर देना, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे नाम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, एज पूछेगा, कंट्री और कंसेशन, अगर स्टूडेंट हैं तो कंसेशन मिल जाता है, अब मेरे को नहीं पता इसमें कितना कंसेशन मिलेगा, शायद 50% मिल जाएगा सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप इसका है, नंबर ऑफ पर्सन डाल देना, सब डेट वगैरह, आईडी प्रूफ क्या है, आधार है तो आधार डाल दो, आधार नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, और चिला गेट है, और तो ऑफकोर्स चिला जोन सेलेक्ट किया है तो चिला गेट ही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, अपनी ईमेल आईडी डाल देना, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेगा, ओटीपी डाल देना, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं डाला इसलिए कुछ आया नहीं है, उसके बाद बुक हो जाएगा, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप कम से कम परमिट अपने आप ले सकते हैं राजा जी नेशनल पार्क से। ये लेटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, पहले ये ऑप्शन नहीं थे, इसी साल से ये स्टार्ट हुआ है, तो पहले कॉर्बेट की वेबसाइट पर ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब राजा जी वाले भी धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट जिससे आप सफारी बुक करा रहे हैं, मान लो मुझसे करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट लिंक है आपको, मैं भी ये करके दे सकता हूँ, या एजेंट आपको डायरेक्ट भी विंडो से, लेकिन उससे क्या होता है कि कभी कभी ना जो मेजर वीकेंड होते हैं तो ये टिकट मिलते नहीं है, तो ये तो श्योरिटी है कि अगर आपने परमिट बुक कराया है तो जल्दी ही आप जल्दी टाइम से वहाँ पहुँच के अपनी जीप सफारी बुक कर लें, और या फिर आपने पहले ही किसी से बात कर रखी हो मेरे जैसे, तो परमिट आप यहाँ से ले लेंगे, जीप सफारी मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो भाई फिलहाल ये सीन है इसका। Thank you.